शिकोहावाद गांव चलो अभियान के लिए भाजपा मंडल शिकोहावाद की कार्यशाला बैठक शुक्रवार को प्रहलाद राय टिकमानी कॉलेज में आयोजित की गई। इसमें मुख्य वक्ता पूर्व महानगर अध्यक्ष सुनील शर्मा ने पार्टी के पदाधिकारियों को इस अभियान के बाबत विस्तार से जानकारी दी। आज शिकोहावाद नगर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश आह्वान पर गाँव चलो अभियान का जो कार्यक्रम है उसके संबंध में इस नगर की बैठक बुलाई गई है और 4 तारीख से 12 तारीख तक गांव चलो अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी सब लोग जाएंगे और आदरणीय योगी जी और मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां विशेषताएं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही प्रभु श्री राम जी का जो भव्य और दिव्य मंदिर जो अभी पूर्ण हुआ है उसमें भी हम लोग अपनी घर घर जा कर के भगवान श्री राम जी के दर्शन करने का आग्रह भी करेंगे और जो लाभार्थी परिवार हैं जिनको पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार से और योगी जी की सरकार से पिछले 6 वर्षों में जो लाभ प्राप्त हुए हैं उनके घर जन जागरण का काम करके आगामी समय में पुनः 3री बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसी आशा के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता प्रण प्राण से जुट करके घर घर जा करके गांव गांव जा करके संपर्क करेगा और प्रदेश का आह्वान है कि कार्यकर्ता 24 घंटे एक ही वार्ड में या बूथ पर जा करके देंगे। रात्रि प्रवास शहरों में तो शहरी क्षेत्र में होगा लेकिन गांव चलो अभियान का उद्देश्य है कि गांव में जा करके गांव गांव जाकर एक चौपाल लगा करके 24 घंटे जो जहां जिस गांव में जिसको जिम्मेदारी मिलेगी वो जाएगा, वहीं भोजन करेगा, वहीं शयन करेगा, वहीं प्रवास करेगा और वहीं संगठन की बातें कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के करेगा। इस योजना के तहत आज 2 तारीख को शिकोहावाद नगर की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में संबंधित क्षेत्रों के पूरे नगर के पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी, शक्ति केंद्रों के पदाधिकारी और वार्डों के प्रवासी और पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां बुलाए गए हैं और इस कार्यक्रम को कल 3 तारीख छोड़कर 4 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है, इसलिए यहां बैठे हैं।